तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आपको सांप कौन सा है। जौनपुर सिटी से दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बगल में गांव है सुजियामऊ, छोटा सा परिवार है। और दोस्तों आए दिन बारिश हो रही है, बारिश के महीने में सांपों का निकलना लाजमी है। थोड़ी घर की साफ सफाई रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। उसी अंदाज में दिखाते हैं आपको, नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। प्लीज कम आइए। अभी दोस्तों आप इसको देख करके समझ सकते हैं, ये रहा आसियाना, हमारे घर का आसियाना रहा। तो जहाँ पर इंसान रहता है अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी यथासंभव जो स्थितियाँ रहती है दोस्तों उसको बना के रखता है सुसज्जित। तो कभी कभी दोस्तों होता यह है कि इंसानों के बीच में ही हमारे भारत के जितने भी खतरनाक जीव जंतु हैं अक्सर वो आते रहते हैं, लेकिन ये चीजें दोस्तों कभी कभी जीवन के लिए बड़ी हानिकारक होती है। चलिए निकालते हैं। ये दोस्तों आप ये बाकस रखा हुआ है हमारे यहाँ, इसको पेटी कर। तो दोस्तों ये होते हैं इनके स्थान छिपने के, और ऐसे में दोस्तों ये सांप जो है कहीं ना कहीं आकर के छिपते हैं। कभी कभी तो दोस्तों भोजन की तलाश में, और कभी कभी ये आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों ये स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। ये है दोस्तों स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों ये हमारे भारत का एक ऐसा सांप है, कभी कभी भोजन की तलाश में चूहा वूहा को पकड़ने के लिए, इसका भोजन ही ऑलरेडी चूहा है और ये चूहा को खाने के लिए घर के अंदर प्रवेश करता है। तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं, दोस्तों अब आप ये इसे देख के समझ सकते हैं कि अगर ऐसा सांप हमारे घर में बैठा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमें दोस्तों सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी सांपों के एक्सपर्ट हों अपने गांव देश में अपने एरिया में, उनको याद करना चाहिए, इसको बुलाना चाहिए। दोस्तों जो एक्सपर्ट है इसको निकालेगा, इसे दूर लेके जाएगा, जंगल में रिलीज कर देगा। तो ये हुई दोस्तों जीवों को बचाने का एक अपना प्रयास। जीवन दोस्तों बड़ा ही अनमोल है, किसी चीज़ को जैसे आप नहीं जानते हो तो उसे ना करें। और दोस्तों एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, जब भी हम इसके सामने किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, हिलाते हैं, तो ये सांप बहुत ही गुस्से में होता है, इसको ये चीज़ें बुरा लगती है। और एक चीज़ है, जब भी दोस्तों इसको किसी चीज़ से टच करते हैं, चलिए डेढ़ साल टच करके ट्राई करते हैं, तो दोस्तों ये गुस्सा करता है कि हट जाओ नहीं तो हम आपको बाइट कर देंगे या काट भी सकते हैं। फिर दोस्तों बगैर दबे बगैर किसी छेड़छाड़ की किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से, दोस्तों ये जिस रास्ते से आया है उधर से ही भागना चाहता है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी, तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है इन्हीं छोटी छोटी दरारों में छिपता है, और जैसे ही इसके साथ छेड़छाड़ रात के अंधेरे में दोस्तों होता है, तुरंत ये हादसा पहुंचा देता है, यानी कि काट लेता है दोस्तों। तो इसी को हमारे यहाँ इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसी को नाग और इसी को फिटार बहुत सारे नामों से जानते हैं। चलिए मैं एक बार इसे दोस्तों बाहर लेके चलते हैं, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों इस तरीके से छिपने की फिराक में, घुसने की फिराक में हमेशा रहता है। तो चलिए दोस्तों इसे निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। इसको दोस्तों निकालना इस तरीके से है कि इसको जरा सा भी चोट ना लगे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। ये दोस्तों हमारे पर्यावरण के लिए है, इसको तो बचाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन दोस्तों इसको बचाने के साथ साथ खुद की भी सेफ्टी रखना है, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है दोस्तों। चलिए अब हम इसे दोस्तों हाथ लगाते हैं और इसे धीरे से उठाते हैं। ये हो गया दोस्तों स्पेक्टिकल्ड कोबरा। वैसे दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक सांप है, जब भी ये गुस्से में आता है तो किसी को भी ये बाइट कर सकता है। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, इसे एक्टिव किया जाता है। दोस्तों जब ये फन में आता है तभी जाकर के किसी को भी हाथ से ये पहुंचा सकता है।
तो ये हो गया दोस्तों, इसी को इंग्लिश में स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमारे भारत में बोलते हैं। ये कॉमन नाम है इसका, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और दोस्तों हमारे गांव में इसी को नाग बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। तो गांव में दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि जब भी ये सांप काटे तो सीधा आप लोग हॉस्पिटल जाइए, कोई झाड़ फूँक नहीं, कोई दवा पीने के चक्कर में आप ना पड़ें। नहीं तो अंधविश्वास के चक्कर में होता ही है दोस्तों, आए दिन हमारे भारत में बहुत सी सारी मौत, बहुत सारी मृत्यु आए दिन हो रही है। तो लोगों को जागरूक करना इस तरीके से और जीवों को बचाना ये अपने जीवन की दिनचर्या से। वीडियो बनाने का एक मकसद ये रहता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल ही जाएं दोस्तों। और कहीं कहीं पर इसको पलटू के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत तेज़ी से फाइट करता है इसके सामने किसी चीज़ को हिलाने के बाद में। एक अंधविश्वास ये फैला दोस्तों कि लोग कहते हैं कि सांप बीन बजाने के बाद में डांस करता है, लेकिन इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा। इसके काटने के बाद में दोस्तों एक घंटे का टाइम रहता है, 40 से 50 मिनट 30 मिनट जैसा दैट साल बाइट हुआ हो। अगर दोस्तों ज़्यादा वेनम जहर अंदर चला गया है तो प्राण बच नहीं पाते हैं ऐसे में। अब ये दोस्तों 5 kg का डिब्बा है, इसे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है। इसको पकड़ते हैं, 15-20 मिनट के अंदर इसको हम जंगल में ले जा करके रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। ये दोस्तों एक ऐसा सांप है, हम जब भी इसको टच करते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है, समझदार है, ये बाइट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इसे देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तुरंत ये बाइट करेगा। सांप पकड़ने का दोस्तों कोई मंत्र तंत्र होती नहीं है, ये 20 साल का अपना अनुभव और एक अंदाज है इसको बचाने का। इसका रहना दोस्तों पर्यावरण में बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इंसानों के बीच में ही आता है, चूहा है दोस्तों। यहाँ पर इसको चूहा नहीं मिल पाया अगर तो ये कभी कभी मेढक भी खा लेता है। ये दोस्तों छोटी सी छोटी जगहों में जाकर के खुद सेफ हो जाता है अपने आप को। दोस्तों जीवों को बचाने का कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।